तो ये कुछ ऐसा था और ये मुझे इस तरह का रिसीव हुआ है, एक्जैक्टली जैसा देख रहा था पिक्चर में वैसा ही रिसीव हुआ है। बहुत ही शाइनी कलर है, लेदर बहुत अच्छी क्वालिटी में है एंड इसको मैंने 2 साल पहले परचेज किया था और मेरे को अभी तक मैंने इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ, बट स्टिल ये सेम वैसा ही है जैसा ये था। मैंने इसको कई बार मैंने गीला भी कर दिया था, पर ये ख़राब नहीं हुआ अभी तक भी। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आ जाते हैं और अच्छे खासी हील्स है इसके अंदर, देखो कितना मस्त हील है। और ये बिल्कुल भी ना ऐसा भारी नहीं है, जो पहनने के बाद आपको लगे ना कि हाँ वो ऐसा चलना मुश्किल हो रहा है ज़्यादा, आप वॉक नहीं कर सकते इसको। तो मैं पहाड़ों पर चल चुकी हूँ, मैं दार्जिलिंग गई थी एक बार, मैंने ये वाले हील्स लगाए थे। तो हाँ ये बहुत ही अच्छे है, बहुत ही लाइट वेट से भी है। तो इसको मैंने 38 साइज में परचेस किया था एंड जब मैंने परचेस किया था तो इसकी प्राइस थी 729 और अभी शायद इसकी प्राइस ड्रॉप हो गई है 669 या समथिंग कुछ हो गई है, पर उस समय मैंने 729 में खरीदा था इसको। तो उसमें कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको, ये तो आप वो चेक कर लेना। अभी फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है। इतने वाले चैनल्स पर ये देखो इसकी प्राइस, यहाँ पे देखो पिक्चर आप और ये देखो ये एज इट इज जैसा दिखाया है सेम वैसा ही है। इसकी हील्स वगैरह, इसके डिज़ाइन सभी एक ही मतलब सेम टू सेम वैसा ही है पिक्चर के जैसा। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। इसकी प्राइस थी 529 रुपीज़ में और मैंने इसको 5 नंबर में ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे 5 नंबर की साइज़ आती है। थोड़ा सा फिर भी बड़ा है मेरे लिए, बट फिर भी मैं इसको पहन तो लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। इसका जैसा थोड़ा कुशनी सा है, ये जो नीचे का सर्फेस है ये कुशनी सा है, तो ये बहुत ही अच्छा आराम देता है पहनने के बाद में और ये बहुत कम्फर्टेबल है। इसीलिए मैंने सेम इसी डिज़ाइन में ये वाले ऑर्डर किए थे, उसी सेलर से मैंने ऑर्डर किया था सेम सेलर से, और ये वाला भी मैंने 5 नंबर में ऑर्डर किया था और ये मुझे एकदम परफेक्ट आई है। ये थोड़ा भी बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा 5 नंबर में फिर भी बड़ा हो गया, पर ये तो सेम मेरी साइज़ की आई है यार। इसकी प्राइस भी कम पड़ी है मुझे, इसकी प्राइस मुझे आई थिंक पड़ी है 444 रुपीज़ और ये मैंने ग्रे कलर में ऑर्डर किया था और ये पिंक टाइप में है। इसका कलर कुछ और लिखा हुआ है पर मुझे तो पिंक ही लगता है। तो हाँ ये वाले भी बहुत ही प्यारे हैं, तो मैंने ये 2 मंगा लिए थे। येलो में देखो कितना प्यारा है, इसके अंदर आपको मिलते हैं 3 इंचेस की हील। पहले आप यहाँ पे पिक्चर देख लो, पिक्चर में जैसा था ना वो एज इट इज़ ऐसा ही आया है मुझे। और यहाँ पे देखो ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये ट्रांसपेरेंट वाले तो मुझे बहुत ही पसंद है एंड इस तरह का ना टाई करने वाला जो होता है ना पैरों में बहुत ही सेक्सी दिखता है। तो ये मुझे बहुत पहले से चाहिए थे और मैंने फाइनली ऑर्डर भी कर लिया, पर एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने इसको 5 नंबर में ऑर्डर किया था और इन्होंने मुझे ये देखो यहाँ पे ये 8 नंबर में दिया, पर फिर भी मेरे पैरों में नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं एक और पिक्चर डाल दूँगी क्योंकि मैं पहन के नहीं दिखा पाऊँगी इसको, कि मेरे पैरों में जा ही नहीं रहा था, मैं पहन के भी नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा दूँगी आप लोगों को तो मुझे कैसा हो रहा है ये। तो मेरे पैरों में ना ऐसे बहुत अच्छा था, टाइट हो रहा है ये, जबकि मेरे पैर ज़्यादा मोटे भी नहीं है, ज़्यादा ऐसे चौड़े भी नहीं है, फिर भी ये मेरे को नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट हो गई इससे, बाकी हाँ ये देखने में लुक वाइज बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। ये देखो यहाँ पे है ना, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, कोई भी ऐसा चीप टाइप का नहीं है, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग है। ये देखो यहाँ पे लास्ट में आपको ना यहाँ पे इस तरह का ये मिल जाता है, तो ये पैरों पे टाइट करने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद बस ये वाला थोड़ा सा है कि आपको चलने के बाद थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है, आवाज़ में खटखट हो सकता है, पर इतने में तो इतना ही मिलेगा ना भैया। तो इसकी प्राइस वैसे 549 रुपीज़ थी। अभी जो हमने देखे थे वो सारे फ्लिपकार्ट से थे, अभी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि मीशो से मैंने कौन से परचेस किया है। तो मीशो से मैंने ये वाला परचेस किया था, देखो कितना प्यारा हील्स है ये, देखो इसकी प्रिंट कितनी अच्छी है ये देखो। तो इसकी प्रिंट बहुत अच्छी है, ऐसे ये थोड़ा सा ऐसा टाइट है बहुत ज़्यादा पहनने में, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। बस इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई कि ये इसकी फिनिशिंग बहुत ही ख़राब है और ना ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा आगे को निकला हुआ है। जब मैं इसको पहन रही हूँ ना तो मेरे पैर ना इतने ही आ रहे हैं, इतना आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है बाहर में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे पैर छोटे हैं। तो ये पैर से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है ना, तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बहुत चीप सा दिख रहा है और इसकी ना फिनिशिंग भी अच्छी नहीं की गई है। देखो यहाँ पे ऐसे ना उधरा सा लग रहा है यहाँ से सामने से देखेगा।
तो ये देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इसकी जो फिनिशिंग है ना ये अच्छी नहीं है इतनी, तो इसलिए मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। और अगर इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी प्राइस है 329 यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी आप लोग को, तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर ये ऐसा है भी ना तो कोई बात नहीं, मैं इसको रख भी लेती। लेकिन ये जो आगे का पोर्शन है ना ये जो बहुत ज़्यादा निकला हुआ है वो वाला मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली ना पैरों के साइज से अगर सैंडल ज़्यादा खाले जा रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि आपसे पहले आपकी सैंडल पहुँच जाएगी। तो हाँ, लेकिन बाकी ये प्रिंट वाइज वगैरह मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपके पैर ना बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आपको ये बहुत सही आएंगे, तो हाँ ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही है कि मुझे रिटर्न तो इसको करना पड़ेगा। लास्ट है मेरा फेवरेट, ये देखो कितना सुंदर है ये न्यूड कलर में है और बहुत ही देखा सर ऐसे पॉइंटेड हील टाइप का है ये। और यहाँ देखो ये इस तरह की हील्स है, इस तरह की हील्स मैंने अभी तक नहीं लगाई थी, तो ये बहुत ही प्यारा है। मैंने पीछे में ना इसके ऐसे बो बना हुआ है तो वो भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ऐसे यूनिक लगता है, क्योंकि मैंने अभी किसी को वेयर करते हुए नहीं देखा है ये। तो ये बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में आया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। इसकी प्राइस है 469 रुपीज़ एंड मैंने इसको इंडियन साइज़ 5 में ऑर्डर किया था और ये मुझे एकदम परफेक्ट आई है गाइस, एकदम परफेक्ट। तो मैंने बताया था ना कि मेरे को 5 नंबर ही आते हैं, वो भी मैंने इंडियन साइज़ 5 नंबर में ऑर्डर किए थे जो लियो प्रिंट वाले थे, पर वो मुझे नहीं आया पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ गए हैं, तो बहुत ही सुंदर है ये देखने में। ये देखो पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे पिक्चर में था ना, सेम वही क्वालिटी में, मतलब सेम वही डिज़ाइन में आया है। इसमें भी आपको ना कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हाँ ये देखो कितना सुंदर है ये। मिलते हो आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ, प्रोडक्ट की लिंक जो है और जो भी कोड है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस फेज को आप दोबारा देख सको। और मैं अपने चैनल पे चैलेंज वीडियोस और भी बहुत सारे फन ब्लॉग्स वगैरह लाती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा ही होगा। तो मिलोगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, चल रहे हैं बाय बाय। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग को वीडियो पसंद, सर प्राइस थी 527 रुपीज़ की। तो गाइस ये थाने बहुत ही